अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए मर्सिडीज C180 2020 मॉडल का एक वॉक अराउंड लेके आया हूँ। इस वीडियो में इस गाड़ी के एक्सटीरियर इंटीरियर ऑप्शंस और इस गाड़ी की प्राइस आप लोगों को बताई जाएगी। ये गाड़ी कहाँ पे अवेलेबल है वो भी आप लोगों को बताया जाएगा, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना आपने। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपने करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन मस्ट है, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। कुछ इस तरह की इस गाड़ी की है जिसके ऊपर आपको लॉक अनलॉक ट्रंक रिलीज का मिल जाता है और बैक पे प्लेन की है। इसके अलावा बैक साइड पे आ जाएं तो C180 की बैजिंग आ जाती है, ऑल LED लाइट्स आती हैं इसमें। अगर मैं आप लोग दिखा सकूँ तो इंडिकेटर्स भी आप देख सकते हैं, LED इंडिकेटर्स हैं। नीचे की बात की जाए क्रोम लाइनिंग है, पार्किंग सेंसर्स हैं और काइंड ऑफ एन एग्जॉस्ट का सराउंड बनाया गया, जबकि रियल एग्जॉस्ट इसमें नीचे इस साइड पर सिंगल एग्जॉस्ट दिया गया और बाकी ये फेक कवरिंग वगैरह इसकी की गई है। अब मैं इसका बूट ओपन करके आप लोगों को चेक करा देता हूँ। तो देख सकते हैं काफ़ी लग्जूरियस बूट है, बीच में आपके पास इमरजेंसी ट्रायंगल आ जाता है और इसी तरह नीचे बात की जाए तो आपके पास लेदर में इसकी मिल जाती है और ये एक आफ्टर मार्केट इसमें दिया गया, बाकी ऑल ब्लैक इसमें किया गया। साइड प्रोफाइल पे आ जाएं तो सबसे पहले इस गाड़ी में आपके पास ब्रिजस्टोन का टायर दिया जाता है और रिम साइज़ की बात की जाए तो ये 17 इंचेस के हैं, जिनके एग्जैक्ट अगर टायर साइज़ की बात की जाए 225/50R17। गाड़ी में आपके पास पैनारोमिक रूफ दिया गया है और क्रोम कार्निश साइड पे आप देख सकते हैं इसके जा रही है ऑल द वे। प्राइवेसी शेड्स आपको मिल जाते हैं इसमें और साइड पे LED टर्न सिग्नल्स मिल रहे हैं। और फ्रंट साइड पे आप आ जाते हैं तो फ्रंट पे कुछ इस तरह की इसकी हेडलाइट्स दिखी हैं। अब ये फेस अपलिफ्ट आया था इस जनरेशन का जिसमें LED हेडलाइट्स आपको मिल रही थी, देख सकते हैं LED हाई परफॉर्मेंस लाइट्स के आप लोगों को पैजिंग भी नज़र आ रही होगी। अब इसमें ये सिंगल DRL आती है और ये इंडिकेटर्स का भी काम करती है। नीचे की बात की जाए पार्किंग सेंसर्स आपको मिल रहे हैं, फ्रंट पे ये मैश ग्रिल मिल जाती है और फ्रंट पे आपके पास इसमें प्लेन मर्सिडीज़ की ग्रिल दी गई है और ऊपर मर्सिडीज़ का पॉइंटिंग स्टार भी आपको मिल रहा है, ये आप देख सकते हैं इसकी फ्रंट ग्रिल और रेस का 3-point star आ गया। फ्रंट की बात की जाए हुड काफ़ी मैसिव है, मैं इसका हुड भी ओपन करके आप लोगों को चेक करा देता हूँ। मतलब कुछ इस तरह का इसका इंजन कंपार्टमेंट आता है, आप देख सकते हैं हीट शील्ड्स दी गई हैं, ऊपर भी इंसुलेशन आपको मिल रही है, हाइड्रोलिक स्टड्स दिए गए हैं, टर्बोचार्ज इंजन होता है। आप यहाँ से इसका टर्बो वगैरह आप देख सकते हैं, वंस अगेन काफ़ी कवर्ड इसका इंजन कंपार्टमेंट दिया गया है। अब ये गाड़ियाँ परफॉर्मेंस वाली नहीं है, छोटे इंजन से मैक्सिमम आउटपुट दी गई है और इस गाड़ी में आपको मतलब एक क्रूजिंग के लिए गाड़ी है, आप शोफर ड्रिवन भी इनको कह सकते हैं। बट ऑल दो इनका व्हील बेस इतना बड़ा नहीं है इस क्लास जितना, बट स्टिल ये एक कंफर्ट लेवल की गाड़ी है, ना कि परफॉर्मेंस कार्स हैं। अब मैं बैक साइड से आ जाता हूँ। सबसे पहले बैक साइड पे लेग रूम आप देख सकते हैं, लेग रूम काफ़ी मुनासिब है। बैक पे आपके पास एयर वेंट्स आ जाते हैं, ट्रांसमिशन टनल, चूँकि ये गाड़ियाँ रियर व्हील ड्राइव होती हैं, ऊपर जैसे मैं कह रहा था इसके पैनारोमिक सनरूफ भी दिया गया, मतलब मून रूफ भी आ जाते हैं इसमें। साइड शेड्स हैं, रेयर पे भी शेड्स मिल रहे हैं। सीट्स वंस अगेन परफोरेटेड लेदर सीट्स हैं और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। सफेद चाइल्ड सीट माउंट्स हैं, बीच में आपके पास आर्म रेस्ट के काफ़ी अच्छी स्पेस मिल जाती है और यहाँ पे कप होल्डर्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं। अब डोर्स पे आ जाते हैं तो डोर्स पे आप देख सकते हैं इसका जो थोड़ा सा क्रीम कलर है और ऊपर डार्क ब्राउन कलर में है, देन बीच में आपके लेदर ट्रिम्स आ रही हैं, इसके लुक को काफ़ी इन्हेंस कर रही हैं। बर्मिस्टर का साउंड सिस्टम इसमें दिया जाता है, ट्विटर्स आ गए, स्पीकर्स आ गए, डिसेंट पोर्टल होल्डर्स मिल रहे हैं। नीचे आपके पास एक पडल लैंप आ जाता है, एयरप्लेन स्टाइल मैगजीन होल्डर्स। अब फ्रंट साइड पे चलते हैं और आपको फ्रंट से ये गाड़ी दिखाते हैं। सबसे पहले आपको मर्सिडीज़ की स्कफ प्लेट मिल जाती है और पावर विंडोज़ कंट्रोल, डिसेंट स्पेस आ जाती है। अब मैं अंदर आके एक बार मैं गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ। अब चूँकि फेसलिफ्ट वाली गाड़ी है इसमें आपके पास पुश स्टार्ट वगैरह मिल जाता है और गाड़ी में क्लाइमेट कंट्रोल AC आ गया है साइड पे। नीचे की बात की जाए तो मर्सिडीज़ का क्लॉक आ जाता है, मेन्यू आ गया, यहाँ से आप AC ऑन या ऑफ़ करना चाहते हैं और यहाँ से हम इसको लो पे कर लेते हैं, गर्मी बाहर काफ़ी ज़्यादा हो गई है, AC चला लेते हैं। इसके अलावा बात की जाए तो सबसे पहले मैं स्टेयरिंग व्हील से स्टार्ट करूँगा। स्टेयरिंग व्हील पे आ जाएं तो स्टेयरिंग व्हील में हमारे पास
मर्सिडीज़ का साइन आ जाता है। इस साइड पे ये बटन्स दिए गए हैं इसके टच पैनल को कंट्रोल करने के लिए। इस साइड पे आपका क्रूज़ कंट्रोल का आ गया, और ये आपके जो MID है या स्पीड गेज, इसको कंट्रोल करने का आ गया। ये फ्यूल कंजम्पशन वगैरह आ गई काइंड ऑफ। ये बीच में जो जॉयस्टिक टाइप दी गई है, टच सेंसिटिव बटन है यहाँ पे आपके पास। माइल्स पर आवर में भी स्पीड आ रही है फ्रॉम रीसेट। एंड ये अब इसका मीटर माइल्स पर आवर में तो 160 माइल्स एन आवर का इसका आपको मीटर ओवरऑल दिया गया है। मैं थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को एक अच्छा व्यू दिखा देता हूँ, क्लियर व्यू। ओके जी, 160 माइल्स एन आवर का मीटर दिया गया है। बाकी आप इसको डिफरेंट ऑप्शंस के थ्रू चेंज भी कर सकते हैं। इस साइड पे आपके फ्यूल कंजम्पशन आ गई है, देन यहाँ से आप इसका जी फोर्स मीटर, RPM गेज वगैरह भी ला सकते हैं। ये इसका जो आ गया नेविगेशन आ गया, ये इको डिस्प्ले फ्रॉम स्टार्ट, ये जी फोर्स आ गया, एंड दैट्स इट। ये इसका RPM गेज आ गया, एंड ये इस पे आ गए हम। देन इसमें आपके पास क्रूज़ कंट्रोल आ जाता है, पेडल शिफ्टर्स आ जाते हैं, गाड़ी में कॉलम शिफ्टर गियर आपको मिल जाता है जो कि आपके स्टेयरिंग व्हील के बैक साइड पे है। प्लास्टिक में इसके पेडल शिफ्टर्स को फिनिश किया गया है। देन इस साइड पे आ जाएं तो ये इसके डायनेमिक आ गया, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स प्लस, इंडिविजुअल एंड कम्फर्ट एंड ईको, ये डिफरेंट इसके मोड्स हैं। पार्किंग सेंसर्स आ गए, देन व्यू कैमरा इसका आ गया, यहाँ पे आपका डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। ये रियर व्यू आ गया, और इसमें 360 व्यू कैमरा नहीं दिया गया ऑप्शन, मतलब जब ये गाड़ी सेलेक्ट की थी तो उसमें ऑप्शनल नहीं लिया गया। देन इसके अलावा वॉल्यूम नॉब आ गई, रियर शेड्स का आ गया, ये स्क्रीन ऑन ऑफ का आ जाता है, ईको आइडल आ गया। स्क्रीन को हम ऑन कर लेते हैं। अब ये चूँकि पुराने वाली है तो इसमें आपके पास टच सिस्टम नहीं मिलता। जो टच स्क्रीन मर्सिडीज़ ने देनी शुरू की थी वो 2021 वाली जो थी ना, लेटेस्ट ये, वो मर्सिडीज़ ने उसमें आपको टच सिस्टम दे दिया। उससे पहले जितनी भी ये मर्सिडीज़ आ रही थी इनमें आपके पास थ्रू स्वेवल व्हील ही ये सिस्टम कनेक्ट होता था। और इसमें डिस्प्ले एंड स्टाइल्स में आ जाएं, डिज़ाइन में आ जाएं, क्लासिक आ गया, स्पोर्ट्स में करेंगे तो ये देख सकते हैं स्पोर्ट्स में इसका क्लस्टर हो गया, एंड प्रोग्रेसिव में करेंगे तो ऐसा क्लस्टर इसका आ जाता है। आई पर्सनली लव दिस वन। अब बाकी हर किसी की अपनी चॉइस है। गाड़ी में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह, साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब गाड़ी में मल्टीपल एयर बैग्स हैं, ऑटो डिमिंग रेयर व्यू मिरर आ जाता है। देन ये आप एक सेकेंड, ये आपके पास इसकी कैबन लाइट्स वगैरह आ जाती हैं। गाड़ी में एम्बियंट लाइटनिंग भी आपको देखने को मिल जाती है। ऊपर की बात की जाए तो यहाँ से आपका ये सनरूफ ओपन करने का बटन दिया गया है, सनग्लास होल्डर मिल जाता है, और ये कैबन लाइट का बटन आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत इस गाड़ी की कैबन लाइट्स दी गई हैं। बाकी सन वाइजर्स में आपके पास लाइट दी जाती है, बट ये थोड़ा सा आपको चीप फील दे रहा है कि मर्सिडीज़ के लिहाज से इतना ये नो स्क्रैची मटेरियल नहीं होना चाहिए था। ऊपर की बात की जाए यहाँ पे लेदर स्टिचिंग वगैरह आपको मिल रही है, और गाड़ी का स्टेयरिंग व्हील भी मैनुअल एडजस्टेबल है। एम्बियंट लाइटनिंग नीचे फुट में भी है, इस साइड पे भी दी गई है, और इवन डैशबोर्ड के अंदर भी कंटिन्यू हो रही है। सो ये था बेसिक सा इस गाड़ी का रिव्यू। अब चलते हैं इस गाड़ी की प्राइस आप लोगों को बताते हैं, और ये कहाँ पे अवेलेबल है वो भी आप लोगों को बताते हैं। सो वेल गाइस, ये गाड़ी 2020 का मॉडल है। चलिए कितने है वो मैं यहाँ से अब चेक करके आप लोगों को बता देता हूँ। फ्रॉम रीसेट टोटल, फ्रॉम स्टार्ट कंजम्पशन, ट्रिप आ गया, नेविगेशन, रेडियो, मीडिया, टेलीफोन, डिज़ाइन, यहाँ से ये आप इसके डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। असिस्टेंट सर्विसेज, ट्रिप में ही हम आते हैं, कितना चली है ये भी नहीं पता चल रहा, ये तो हालत है मेरी। अच्छा ये तो रीसेट से इतना चली है, और ज़ीरो 18,190 किलोमीटर, यार ये तो कुछ भी नहीं चली, तो ऑलमोस्ट जीरो मीटर है। ये देख लो 18,119 किलोमीटर डन है ये गाड़ी, विच इज़ अ ब्रैंड न्यू कार। अच्छा जी, तो इस गाड़ी की डिमांड 2,20,00,000 की जा रही है सैगल मोटर स्पोर्ट्स की रावलपिंडी ब्रांच पे। तो अगर ये गाड़ी आप लोग ख़रीदना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल्स दी है, आप वहाँ से इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वेल गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आपसे इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।